पांच लेमन है जिसका हम रस इस पे लगाएंगे। ये मेरे पास प्याज थी दो दरमियाने साइज़ की और ये एक शिमला मिर्च। ये तमाम वेजिटेबल्स जो है इसके साथ हम फाउल पेपर में लपेट के हम इसको रोस्ट करेंगे। और ये वो मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मेरे पास ये बीफ मसाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून बीफ मसाला, 2 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिकन पाउडर। बस यही स्पाइसेस हैं जो हम इसमें लगाएंगे और इसको हम मज़ेदार सा रोस्ट करेंगे। तो हम इसको बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने जो है चिकन के पीसेस हमने बनाए थे, तो ये बिल्कुल वैसी बनेंगे लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चलो व्यूवर्स अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इस पर मसाला लगाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, इस पे जो है भाई जितने मैंने आपको 5 लेमन लिखवाए थे वो तमाम लेमन का जो रस है वो इसमें लगा देंगे। फिर हम उसके बाद इसके स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, इसमें लेमन लग गया है। अब जो है ये मेरे पास जो मेरा 3G पेस्ट होता है, लहसुन अदरक हरी मिर्च का जो मैं बना के रखती हूँ, तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है जो इसमें हम पहले लगा देंगे। तो ये भाई पहले इस पर ये 3G पेस्ट लगाएंगे, फिर हम इसमें स्पाइसेस लगाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, इस पे 3G पेस्ट भी लग गया, लेमन भी लग गया। अब हम इसमें जो हमने स्पाइसेस वो किए थे, अब उन्हें तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके फिर हम इस पे स्पाइसेस भी सारे लगा देंगे। ये देखें व्यूवर्स, इस पे अब मसाला लग रहा है, बहुत ही अच्छे से लगाना है ताकि एकदम अंदर तक सारा मसाला इसके लग जाए और टेस्ट जो है अंदर तक आए इसका। ये देखें व्यूवर्स, इसको जो है मसाला लग गया है बीफ को हमारे, और अभी जो है हम ये तमाम वेजिटेबल्स को मसाला लगा रहे हैं। ये देखें ये तमाम वेजिटेबल्स में गई और ये जो हमारा मसाला जो बच गया है वो हम इसमें लगा देंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इस पे रख दिए बीफ की चाप, अभी जो है ना हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स भी रख देंगे। ये देखें व्यूवर्स, तमाम वेजिटेबल्स भी हमने इसके साथ कर दी। अब मैं हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर लगा के और हम इसे लपेट के अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये देखें बस, अभी हम इसे कवर करके और स्टीम करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे स्टीम किस तरह करेंगे। स्टीम हम बाहर रखेंगे सहन में, वहाँ करेंगे हम इसे स्टीम। तो इसको स्टीम करने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको स्टीम होने में। ये देखें व्यूअर्स, इसे हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है। एक बड़े से पतीले में जो है मैंने एक जो है नॉर्मल साइज़ के पतीले का ढक्कन रख दिया, उसके ऊपर ही मैंने ये जो है बीफ को रख दिया है। और अब हम इसे ढक के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे बाद हम इसे चेक करें।